ब्लॉग में नया ब्लॉग लेकर आ रही हूँ आप सबके लिए। आज ना अमृतसर में हम लोगों का सेकंड डे और हम लोग आज फिर अमृतसर एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आज हम कहाँ कहाँ घूमेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरी देखना और चलिए मेरे साथ। सुबह के 10 बजे है और आप अभी भी देखो कितनी ज्यादा धुंध है, पर क्या करें, जाना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों को निकलना है आज हमीरपुर। इसलिए हमें अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं जो कुछ जगह रही हुई है, नहीं तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है ऐसी धुंध में जाने का। हम लोग आए हुए हैं सबसे पहले दुर्गा टेंपल ना, हाँ दुर्गा टेंपल देखने। हम लोगों ने सोचा कि दुर्गा टेंपल देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद कहाँ जाना, कोई डिसाइड नहीं है अभी। और मैं व्यू दिखाऊँ आपको, बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा। मंदिर का व्यू देखिए कितना ज्यादा सुंदर है, कितना ज्यादा अच्छा है। सबसे ज्यादा मजे तो मुझे यहाँ पे आ रहे जहाँ पे कबूतर है, वाओ वाओ। अपना मंदिर के अंदर चलते हैं। ये जो मंदिर है ना, ये भी लेक के पास ही है, जैसे आपका अमृतसर गोल्डन टेंपल है वैसे ही दुर्गा मंदिर भी लेक के पास है, और वो लेक ये रही। दर्शन कर लिए है, मंदिर के अंदर ना कैमरा अलाउड नहीं था तो इसीलिए हम लोग अंदर कैमरा लेके नहीं गए, तो हमने बाहर से दर्शन कर लीजिए। आप भी अपनी विश मांग लीजिए पूरी अच्छे से। और मैं आपको इस मंदिर की खासियत बताऊं, जैसे गोल्डन टेंपल फेमस है गोल्ड की, गोल्ड का बना हुआ है, वैसे ही जो दुर्गा मंदिर है इस पर भी गोल्ड की नक्काशी की है, और साथ साथ ना ये मंदिर लेक के पास है। तो सबसे पहले आप गोल्डन देखिए किस तरह से काम किया है, फिर आप लेक देखिए। ये देखिए गोल्डन का काम किया गया हुआ है इस मंदिर में भी, और ये साथ देखिए लेक है यहाँ पे, ये देखिए लेक, चारों तरफ पानी है और बीच में मंदिर बना हुआ है। हम लोगों के दर्शन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से हुए, बिल्कुल रश नहीं था। और अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं पार्टीशन म्यूजियम देखने। हाँ, अब हम नेक्स्ट है हमारा पार्टीशन म्यूजियम देखने, तो अब मैं आपको मिलती हूँ पार्टीशन म्यूजियम में। हम लोग पहुँच चुके हैं पार्टीशन म्यूजियम और हम लोगों ने टिकट ले ली है, 10 रुपीज़ है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। बट एक चीज़ फिर से, यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है तो मैं आपको अंदर से नहीं दिखा सकती। कोई बात नहीं, आप बाहर से व्यू देख लेना। चलो मैं अब अंदर जाती हूँ और मैं देख के आती हूँ कैसा था क्या था। ये रहा बाहर का व्यू, अभी थोड़ी बहुत यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन भी चली हुई है देखिए, बाकी आप बाहर से देख लीजिए। अब हम लोगों को यहाँ पे अंदर जाना है,
पार्टीशन म्यूजियम का ना अच्छे से देख लिया, बहुत ज़्यादा दुख हुआ सीरियसली उस समय जो भी हुआ था। और अब मैं ना आपको बाहर से व्यू दिखाती हूँ, क्योंकि आपको मैंने बताया था अंदर कैमरा अलाउड नहीं है इसीलिए। तो बाहर से आप व्यू देख लीजिए पार्टीशन म्यूजियम का। मैंने आपको व्यू दिखा दिया ना, अब हम लोग थोड़ा सा बाजार का करेंगे, एक चक्कर लगाएंगे और उसके बाद हम लोग कुछ खाएंगे और फिर हम निकलेंगे वापस हमीरपुर। मन तो है नहीं है, पर जाना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं। अमोल मन है। अब ना हम लोग जा रहे हैं लंगर खाने। कल हम लोगों ने लंगर नहीं खाया था ना, तो यार अमृतसर आए और लंगर ना खाओ गुरुद्वारे का, तो इसीलिए हम लोग लंगर खाने जा रहे हैं। तो अभी मैं गोल्डन टेंपल जा रही हूँ फिर से। ये रहा लंगर हॉल। अब हम लोग भी लंगर खाने अंदर जा रहे हैं, तो अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो फिर मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। ये देखिए पंजाबी में लिखा भी है। लोगों ने लंगर भी कर लिया है, अब हम लोग वापस जा रहे हैं हमीरपुर। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो मेरे चैनल पर न्यू है। मैं बहुत ज़्यादा जल्द मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय। बाय बाय अमोल। बाय बाय। बाय बाय अमृतसर। रुको रुको रुको, अभी जाने से पहले ना एक बार ये व्यू तो देख लो। मैं ना आपको व्यू दिखाना भूल गई थी, कितना ज़्यादा सुंदर व्यू है ये व्यू। जब हम लोग अमृतसर से हिमाचल जाते हैं तो रास्ते में इस तरह का व्यू हम लोगों को आता है, और कितना ज़्यादा सुंदर है ना। बीच खेत से रोड जा रही है, अरे परे खेत, ग्रीनरी, साथ में आपको पेड़, मतलब आपके पेड़ कितने ज़्यादा लगे हुए हैं, कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। जिस तरह से हम पहाड़ों में, हम लोगों को ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलते हैं तो अच्छा लगता है, सेम जब हम प्लेन्स में आते हैं ना तो हमें इस तरह के रोड भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इस रोड में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बाकी आप ये व्यू इंजॉय कीजिए। बाय बाय।